ये है हमारा रियल टाइम का RS9W मॉडल। आज हम बात करेंगे इसके कनेक्शन के बारे में कि हम इसको साथ ही हम लोग के कनेक्शन कैसे कर सकते हैं। ये हमारा फिंगर प्लस कार्ड बेस्ड मॉडल है और इसमें लैन कनेक्टिविटी, वाईफाई कनेक्टिविटी दोनों दी हुई है, बैटरी बैकअप के साथ है। और अगर किसी की रिक्वायरमेंट रहती है, उन्हें आने का टाइमिंग भी चाहिए और साथ में रिपोर्ट भी निकालनी है, तो ये मॉडल आप लगा सकते हैं, उसी के लिए है। तो कनेक्शन के लिए क्या करना है, पीछे इसमें एक ये मल्टीपल वायर्स के साथ एक जैक आएगा, तो आपने जो वायर का यूज़ करना है उसके बारे में मैं मेन बात करूँगी। ये पावर सप्लाई हमने अलग से ली हुई है 12 वोल्ट 5 एम्पेयर की। इसके साथ जो पावर अडेप्टर आएगा वो हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो 12 वोल्ट 2 एम्पेयर के हैं और हम जो लॉक लगा रहे हैं तो हमें थोड़ा सा पावर एक्स्ट्रा चाहिए। अगर आप खाली मशीन यूज़ करते हैं तो आप ये अडेप्टर के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो अभी क्या करना है, जो हम इसमें से वायर्स लेंगे, इसमें कम से कम 11 वायर्स हैं। 11 में से आपको जो स्टार्टिंग है नीचे से, इसमें इस तरीके से दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले हमें एक स्विच के लिए एग्ज़िट, जो ये हमारा है ये स्विच के लिए ग्रीन और वाइट कलर की वायर है एग्ज़िट की, और उसके बाद हम यूज़ करेंगे इसमें एक हम लेंगे ब्लू कलर की वायर जो NC की वायर है। यहाँ पे सारे पॉइंट लिखे हुए हैं और सबके नंबर भी लिखे हुए हैं। तो ये जो हमारी ब्लू कलर की वायर है ये 6 नंबर की वायर है NC की। हम ये हम लोग यूज़ करें तो हम NC यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लेंगे एक 7 नंबर की वायर जो हमारी लोक कोम की है, और उसके बाद हम लेंगे 10 नंबर हमारा नेगेटिव और 11 नंबर हमारा पॉजिटिव। तो जो हमारी मेन वायर का यूज़ है वो 6 ओनली 5 वायर का यूज़ है, बाकी की जो वायर्स हैं वो हमारा यूज़ नहीं है। तो इसी के साथ हम कनेक्शन की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे कि हमने लोक का, यहाँ हमने सबसे पहले पावर सप्लाई का पॉजिटिव लिया है, जो ये वाइट और ब्लैक कलर की वायर है ये हमारी पॉजिटिव है। साथ में हमने मशीन का पॉजिटिव लिया है। मशीन को पॉजिटिव देने के लिए ये हमारा मशीन का पॉजिटिव हो गया, ये हमारा EM लॉक का पॉजिटिव है। EM लॉक के पॉजिटिव के साथ हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे। साथ में हम लेंगे पावर सप्लाई का पॉजिटिव, तो ये हमारा पावर सप्लाई का पॉजिटिव है। तो हमने तीनों के पॉजिटिव को आपस में जो कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हम लेंगे हमारा पावर सप्लाई का नेगेटिव और मशीन का नेगेटिव, और साथ में हम लेंगे इसमें से येलो की कोम की वायर जो हमारा लोक कोम की वायर है। लोक कोम और नेगेटिव को हम आपस में शॉर्ट करेंगे और उसके बाद हम इसको पावर सप्लाई के साथ नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। इसी के साथ हम यूज़ करेंगे एक EM लोक का NC, जो EM लोक का नेगेटिव की वायर है वो हमारी NC वायर के साथ कनेक्ट होगा। ये हमारे इसके साथ कनेक्ट हो गया, और अब हम स्विच के साथ कनेक्शन करेंगे। स्विच में 3 वायर्स हैं NO NC कोम, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे कोम और NO, या NC का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि NC का यूज़ हम इसमें ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ हमने कोम की वायर ली, कोम की जो वायर है वो येलो है, इसको हम कनेक्ट करेंगे जो हमने यहाँ पे इसके साथ जो हमने एग्जिट की वायर निकाली थी ग्रीन और वाइट कलर की, और स्विच का कोम, ये दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया। और यहाँ हमारी ग्रीन कलर की जो NO वायर है ये भी पावर सप्लाई के नेगेटिव के साथ ही जाएगी, इसको भी हम नेगेटिव देंगे। तो ये हमारा नेगेटिव है, तो हमने इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारे कनेक्शन है, ये देखिए मशीन में भी पावर आ गई है, लॉक में भी पावर आ गई है, और पावर सप्लाई में भी। तो इसी तरीके से आप इसके कनेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले हम टेस्टिंग के लिए स्विच चेक करेंगे कि स्विच अभी हमारा लॉक, देखो लॉक हमारा कनेक्ट है। तो अभी हम सिर्फ स्विच से हमने जैसे ही बटन प्रेस किया लॉक हमारा ओपन हो गया। ये देखिए दोबारा से हमारी लॉक में पावर आ गई है देखिए, और अब जैसे ही हम दोबारा स्विच प्रेस करेंगे लॉक में पावर कट हो गया। तो इसका मतलब हमारी जो कनेक्शन है वो प्रॉपर तरीके से हो गए। तो और उसके बाद हम मशीन से कैसे वो करेंगे उसके बारे में बताती हूँ। मशीन के सबसे पहले आप मेन्यू में जाएंगे, मेन्यू में जाने के बाद आप यूज़र में जाएंगे, फर्स्ट नंबर पे हमारा जो यूज़र दिया हुआ है ओके करेंगे,
ओके करने के बाद फिर इनरोलमेंट पे जाएंगे। इनरोलमेंट पे जाने के बाद आप आईडी नंबर डालेंगे। आईडी नंबर डालने के बाद आप डाउन प्रेस करेंगे, फिर यहाँ नाम का ऑप्शन दिया हुआ है थर्ड नंबर पे, आपको जो भी अपना नाम डालना है वहाँ नाम डालने के बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि आप यूज़र एडमिन जो भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप फिंगरप्रिंट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, कार्ड करना है कार्ड कर सकते हैं। तो आप हम फिंगरप्रिंट ले रहे हैं, अब हम फिंगर थ्री टाइम फिंगर लगाएंगे। अब हमने थ्री टाइम फिंगर लगाई, देखिए फिंगर लगाने के बाद हम ओके करेंगे तो ये वाली स्क्रीन हमारी ओपन होगी। अगर आप एक्सेस का यूज़ करना चाहते हैं, लॉक लगा रहे हैं इसके साथ, तो जो मेन पॉइंट है वो यही है, यहाँ पे जैसे ही आप फिंगर ऐड करने के बाद ओके करेंगे तो यहाँ पे एक वैलिडिटी का ऑप्शन आएगा, थर्ड जो हमारा फोर्थ नंबर पर वैलिडिटी का ऑप्शन है, ये देखिए वैलिडिटी रेंज, वैलिड रेंज। तो यहाँ जाने के बाद आप यहाँ वैलिड, जैसे नो यूज़ है ना, तो आप जिस जिसको एक्सेस देना चाहते हैं डो लॉक के, तो आप जिसको ओनली अटेंडेंस देनी है तो ओनली अटेंडेंस के लिए तो नॉर्मल आपको फिंगर ऐड करनी है, अगर आपको एक्सेस भी देनी है तो आपको यहाँ पे जाने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ में डालिए, उसके बाद यहाँ आप टाइम सेट कर दीजिए, आपको उसको 1 मंथ की, 2 मंथ की या 6 मंथ की जो भी वैलिडिटी आपको देनी है, उसके बाद आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप एस्केप का बटन प्रेस करके बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद ये देखिए जब आप फिंगर लगाएंगे तो आपका लॉक ओपन हो गया। ये देखिए लॉक में पावर आ रही है, जैसे हम फिंगर लगाएंगे पावर कट होगी, हमारा लॉक ओपन हो गया। तो इस तरीके से आप इसके कनेक्शन कर सकते हैं। और अगर हम नॉर्मली किसी को, अगर जैसे कि मैं नॉर्मल फिंगर ऐड करी और मुझे एक्सेस नहीं देनी है, तो फिंगरप्रिंट में जाएंगे, नॉर्मल हमने फिंगर ऐड करी, उसके बाद हम ओके करके हमने यहाँ पे यूज़ में नहीं डाला उसको, और हम बैक आ जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से अटेंडेंस लग जाएगी लेकिन लॉक ओपन ऊपर नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे तो फिर लॉक आपका ओपन नहीं होगा। तो अब कहीं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या रहती है, जैसे कोई ऑफिस में अपने कैबिन में है तो वो सोचते हैं कि अगर हमें लॉक ओपन करना है तो हमें बार बार मशीन के पास ना जाना पड़े, तो उसके लिए वो चाहते हैं कि या तो हमारे कैबिन में या हमारे रिसेप्शन के वहीं पर कोई एग्जिट बटन हो, या किसी को रिक्वायरमेंट होती है कि हमें वायरलेस ऑप्शन चाहिए, तो वायरलेस ऑप्शन के लिए आप ये हमारे पास ऑप्शन है रिमोट किट का, तो आप ये जो रिमोट है ये वायरलेस है, इसके साथ पेयर करके आप अपनी सीट पर बैठे बैठे लॉक ओपन कर सकते हैं। आपको डोर तक जाने की ज़रूरत नहीं है लॉक ओपन करने के लिए, और अगर स्विच लगाते हैं तो काफ़ी लंबी वायरिंग करनी पड़ती है, उसकी भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इसी के कनेक्शन के बारे में हम बात करेंगे, जो ये है ये इसी के साथ कनेक्ट हो जाएगी और आप अपनी सीट पर बैठ के फर्स्ट फ्लोर से भी आप लॉक ओपन कर सकते हैं, सेकंड फ्लोर से भी कर सकते हैं। तो उसके कनेक्शन के बारे में बात करेंगे, इसमें भी 5 पॉइंट दिए हुए हैं हमारे कनेक्शन के, NONC कॉम, तो NONC कॉम प्लस माइनस, तो हम यहाँ हम प्लस माइनस NO और कॉम का यूज़ करेंगे, तो इसके कनेक्शन भी इन्हीं के साथ हो जाएंगे। तो जो हमारा रेड और ब्लैक है वो प्लस और माइनस है, तो इसी की दोनों के तारे प्लस माइनस हम पावर सप्लाई के प्लस माइनस के साथ जोड़ देंगे। जो हमारा पावर सप्लाई का प्लस माइनस है, ये हमारा प्लस है, इसी यहाँ बस आपने इसको इसी के साथ कनेक्ट कर देना है, तो आप अपनी सीट पर बैठे बैठे रिमोट से ओलो को ऑपरेट कर सकते हैं। जो इसमें एनो जो कॉम की वायर है वाइट कलर की, वो भी हमारे एसी के साथ कनेक्ट हो जाएगी, और जो हमारी लास्ट बचती है एनो वायर वो आप कनेक्ट करेंगे इसकी एग्ज़िट, जो हमने स्विच का लिया था स्विच, तो इस तरीके से आप कनेक्ट करके रिमोट किट में भी देख सकते हैं पावर आ गई है। और ये देखिए आप रिमोट से भी लॉक ओपन कर पा रहे हैं, ये लॉक में पावर आ गई है।
ये देखिए लॉक में पावर आ गया, जैसे रिमोट का बटन प्रेस करेंगे पावर कट हो गया है। तो रिमोट ऐड करने का भी बता देती हूँ, अभी इसमें रिमोट ऐड है, तो इसको अगर अनपेयर करना चाहते हैं तो इसका बटन है कुछ सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे, एक लाइन कंटिन्यूसली ब्लिंक होने के बाद बंद हो जाएगी, तो इसका मतलब जो हमारा रिमोट है वो अनपेयर हो गया है। और पेयर करने के लिए आपको एक बार बटन प्रेस करना है, रिमोट का बटन दो तीन बार आप प्रेस करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप वायरलेस रिमोट से भी लॉक ऑपरेट कर सकते हैं, अंदर से स्विच से, बाहर से मशीन से, तो आप इस तरीके से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो नीचे दिए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं।